अभी कांग्रेस टिकट बांट ही रही है कि टिकट छीनने और बदलने का खेल शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस ने जिस हिसाब से टिकट बांटे उससे उसका खेल चुनाव के पहले ही खराब हो गया और अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी चल रही है। जमाने से कांग्रेस में टिकट पैरवी और भाई भतीजावाद के आधार पर बढ़ती रही है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ऐसा जरूरत से ज्यादा हुआ। अब राहुल गांधी परेशान हैं, किसका टिकट छीने, किसे हटाएं, किसे टिकट थमाएं। अशोक गहलोत दिल्ली तलब किए गए। राहुल गांधी ने अविनाश पांडे और सचिन पायलट से भी फीडबैक लिया। पता चला आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिनके जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। राजस्थान में हुए इस टिकट घोटाले की राहुल गांधी को भनक तक नहीं लगती, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम के एक नेता ने इसकी शिकायत नहीं की होती। जांच हुई तो जयपुर शहर की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल, राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर, धौलपुर करौली के संजय जाटव, भरतपुर के अभिजीत कुमार जाटव, रिजू झुंझुनवाल, झालावाड़ से प्रमोद शर्मा ऐसे उम्मीदवार निकले जिनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। जयपुर शहर की कांग्रेसी उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल स्टिंग मामले में फंसी भी हैं। अब ऐसे लोगों के सहारे मोदी को राजस्थान विजय से रोका नहीं जा सकता। उम्मीदवार बदलने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल गया है, टिकट बदल गया है, तो जिनका टिकट कटेगा वो जी जान से कांग्रेस की मिट्टी खराब करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।